मतलब डेटा से मतलब तो है ना, 1 किलो जूल पर मोल। चलिए सेकंड, इस वन इज एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजनस गैस। सेकंड बताइए। रिपीट नाइट्रोजनस कैटालिसिस मतलब डिकम्पोजिशन। बताइए सेकेंड ऑप्शन होगा क्या? लेकिन सेकेंड तो नहीं होगा। भाई, कितनी बार कर चुके हैं। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस उसे बोलेंगे जिसमें स्टेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। हाँ, तो उसे हम लोग क्या हेलो, फिर बोलेंगे? सेकंड में जाएगा। हाँ नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखिए, वैसे तो थर्ड जीरो। आप इस समय ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, ये कैटालिसिस में दिया था, ठीक है, तो हम छोड़ दे रहे हैं, मतलब कि कोई मतलब नहीं है। अगर याद है तो ठीक है भाई, थोड़ा ये कौन से चैप्टर का है? सर्फेस सरफेस कौन से चैप्टर का है? अच्छा, केमिस्ट्री का है, लेकिन मतलब कि ये बेसिकली देखिए ये होता है। ऐसे तो आपको ऐसा सरफेस केमिस्ट्री से मतलब नहीं है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो अगर देखा जाए, इसमें ऑप्शन तो थर्ड होगा, कॉम्बिनेशन में जैसे तुम देना। बता रहे हैं N2+3H2, ठीक है, ये क्या बनता है, 2NH3। ये सारे क्या है, गैसियस में, ठीक, यानी कि इसमें आयरन यूज होता है, ठीक। देखो, कंबाइन ऑफ डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन फॉर अमोनिया, प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो आयरन क्या है, हेट्रोजोनियस, मतलब अब यहाँ पे स्टेट क्या हो गया, बाकी सब गैसियस है, ये सॉलिड हो गया। बाकी के एग्जांपल देखा जाए तो आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, तो शुगर का हाइड्रोलिसिस C12H22O11 6 11। H2O में लिक्विड। तो सारे लगभग कह सकते हैं आपको ऐसा लिक्विड में रहता है, ठीक है। H2SO4 रख देंगे, मतलब एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा। और SO2 गैसियस, O2 गैसियस, और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है NO, और ये भी गैसियस होता है, 2SO3। ये कुल मिला के क्या है, होमोजेनियस कैटालिसिस, होमोजेनियस हो गया, ये हेट्रोजेनियस हो गया, पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है। अरे, हाइड्रोजनस और होमोजन में फर्क क्या होगा कि? हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट स्टेट, कोई स्टेट डिफरेंट हो जाए रिएक्शन में। अच्छा, होमोजेनियस मतलब कि सेम स्टेट, यहाँ सब लिक्विड 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 दिए हैं, यहाँ पे ठीक आपका है। अच्छा, गैसियस है, गैसियस है, सॉलिड हो गया बेसिक। मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब स्टेट की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस की बात। ऑप्शन थर्ड, थर्ड वो क्या कहते हैं, ऑप्शन सेकेंड। अब देखिए, ये तो मतलब गैसियस स्टेट का है, लेकिन आपको आना ही चाहिए थोड़ा बहुत ये वाले क्वेश्चन, आना चाहिए ना, ऑप्शन ऑप्शन 1 होगा। वन। सर ये तो कितनी सही बार बता रहे पूछ, हैं? काफी हाँ, बार। चलिए, ऑप्शन वन कैसे होगा, रिलेशन बता सकता है कोई? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होगा, तो पी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, तो लाइन सीधी आनी चाहिए अगर 1/V है ना। और ये जो T3 है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। और देखो थर्ड भी सही है, ग्राम मतलब वैसे सही है, बट V1 ज्यादा होगा, वो ऑर्डर उल्टा लिखा है थर्ड अच्छा, वाले में।
चलिए। ये बताया ना। हाँ पहला ना, हाँ तो फिर ये मैं भूल गया कौन से चैप्टर में था ये ग्राफ। गैसियस स्टेट का है, वायु ला। बताइए कौन सर ये होगा क्या वन होगा वन होगा दोनों से क्या बोल रहा है? फर्स्ट होगा। सर ये कह रहे कि रिएक्शन के जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है हाँ जो कि सही है। अगर जीरो है तो फिर वो स्पॉन्टेनियस होगी सर। और एक्टिवेशन एनर्जी उतनी एनर्जी होती है जितना मतलब रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में लगे। इसमें दोनों सही है ना? दोनों सही लेकिन लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? हाँ। एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है फर्स्ट है। एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, चलिए। यहाँ पर रिएक्शन कैन नॉट कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, सही है। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब बाय रिएक्टर मालिकुल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए। ये तो कई बार कर चुके हैं, ले सकने फिर ऑप्शन ऑप्शन फोर ऑप्शन 4 थोड़ी होगा यार, तो गलत बात है यार। थर्ड था। थर्ड था थर्ड थर्ड है फर्स्ट है? तो थर्ड थर्ड था थर्ड था। होगा भाई, ये तो कई बार कर चुके हैं, तो 3 बार तो हम ही करा चुके हैं, एक 20 चैप्टर में, एक पहले भी। रेड कलर का होगा। ठीक है, थ्री में बताइए। था बोल्टन, थ्री में था टू बोल्टन, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन सही है? सही है हाँ सही ये है, होगा। फोर्थ बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन रीअरेंजमेंट का हो, सही है ये। रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्शरी पे बनेगा। ठीक, ये रीअरेंजमेंट होके बनाएगा, मतलब कि अब ये तो कर ही चुके हैं, अभी जल्दी ही किए थे, CH3 और CHOH है, CH3 बन के बी आर बन जाएगा CH3R ना सी एस लगा इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस बन के बी आर में, तो प्रोडक्ट जो बनाएगा सी क्या एस बनाएगा? CH3 बी आर लग हाँ, जाएगा और सी एस फिर AHOH आ जाएगा, यहाँ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 वो CH बटाया था हाँ बी आर CH3 कार्बो और बी आर भी बटाया कैटायन बनेगा, फिर एक कार्बो कैटायन अब क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो रिरेंज जाएगा यहाँ पे, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो क्या हो जाएगा? CH3 C+2 CH3 CH2 CH3। अब इस पे क्या अटैच होगा? Br, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैच होता है जो मोर स्टेबल क्या बनाए, कार्बो बटन कैटायन बनाए, इसलिए यहाँ पे फटाफट करिए भाई। फॉर सर्टेन रिएक्शन रेट इनिशियल कंसंट्रेटिबल केप अप सेकेंड ऑप्शन परसेंटेज, इंक्रीज बाय फैक्टर सेकंड सेकेंड नाइन होता ऑप्शन इंक्रीज बाय 9000, है क्योंकि इसके स्क्वायर है ना। कॉक डायमंड क्लोरीन ग्रेफाइन यूज ऑफ दिस रिड्यूसिंग एजेंट होता है अब रिएक्टेड डायमंड क्या होता? रिसीडिंग एजेंट होता है ना SP3 हाइब्रिडाइज SP3 है बड़ा ये, और तो
डायमंड बी का क्या हो बी जाएगा? को, फर्स्ट हो जाएगा, दो ऑप्शन बी का होंगे, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड और होगा, सेकंड भी दे रहा। सेकंड ऑप्शन सेकंड ए का थर्ड है। अरे होगा। यार ये तो याद रहना चाहिए यार, कितने बार लिखा है आप लोग बता नहीं रहे। सेकंड, कौन सा सेकंड होगा? क्योंकि ए यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट, को कार्बन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों यूज होता है, डायमंड क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब बकमिंस्टर फ्लोरेंस क्या होता है, केज लाइक मॉलिक्यूल होता है आप जानते हैं, ग्रेफाइड एज लुब्रिकेंट यूज होता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आसान तो सारा ही कुछ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, जल्दी बताइए। सेकंड एटीपी ए ऑप्शन, कार्बन देखते हैं, ऑल एंजाइम एटीपी एटीपी होगा। फॉस्फेट में मैग्नीशियम को फैक्टर होता है, Mg होता है, एक कैल्शियम दिया है, और उसके बाद बोन ह्यूमन बॉडी इनर्ट अनचेंज सब्सटेंस, तो इसमें क्या होगा, यानी कि बोन ह्यूमन बॉडी नॉट इनर्ट होता है, यहाँ पे इनर्ट लिखा है तो यहाँ पे नॉट इनर्ट होना चाहिए, तो ये भी स्टेट गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी। और EMG प्ले रोल इन न्यूरो मस्कुलर फंक्शन इंटर मॉलिकुलर ट्रांसमिशन, तो EMG रोल कैल्शियम नहीं होता है, प्ले कैल्शियम करता, कैल्शियम होता है, ये भी गलत हो गया, तो बचा ये सही है, यानी सेफ है, जीरो कि मैं डिले पॉइंट रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ह्यूमन बॉडी एस्टिमेट 0.22 0.3, मतलब कि कह सकते हैं ग्राम, और आपके बुक में ये दिया है 200 to 300 mg Mg। ठीक है, तो वही बात हो जाएगा। सर। ठीक, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, हाँ चलिए आगे करिए। ये देखिए सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, तो सॉलिड स्टेट अब नहीं है तो हम लोग ये नहीं हटा हुँ? वैसे तो ये दो, 4 होगा, फाइव पाएगा फाइव है, लेकिन होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, तो बता दी होमोलिप्टिक ऑप्शन मतलब फोर, फोर एक ही टाइप का लिगेंड होगा, लिगेंड एक ही रहेगा, वुड, Q3 Al पोटेशियम, OF हाई सॉल्ट, फोर ऑक्सीजन थर्ड। हो जाएगा, ओके N2 है, आसान सा है क्वेश्चन। कई बार पूछ रहा है ये तो, ऑप्शन ऑप्शन 1 नहीं है, आप लोग यार पता नहीं कैसे लिख नहीं सकते हैं, एक डब्बा, दो डब्बे, तीन डब्बे, चार डब्बे, और अगर देखा जाए तो फिर ए N2 का है, मैंने ऐसे भी बताया था, ये एंटी बॉन्डिंग AB ABA हो गया, डी ऑप्शन आगा होगा, हो गया। वो फोर्थ ऑप्शन होगा, अब फोर्थ है। वही हमारे पास बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ये बाबा हो गया, और ये वाला 2PX और 2PZ बीच में आना चाहिए ये वाला, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग वही चीज, तो फोर्थ हो गया। ये बताइए, टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी फैक्टर के रूप में, तो अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, टीसीए लिखा है, क्या लेकिन होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम नीचे आते हैं तो अगर देखा जाए स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जिसका होगा नीचे वाले का वो ज्यादा करेक्ट होगा, तो थर्ड वैसे होगा, तो ये एक्सप्लेनेशन थर्ड ऑप्शन में उतना टी, हाँ
क्या सीएल लिखा है ना, थर्ड होगा ना, थर्ड हाँ है। थर्ड होगा, क्योंकि बाल हाँ जयंती। बाल जानती हूँ। ये आ जाएगा। हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डिवाइंग एस्पर्टस। हीलियम हैज हाईली सॉल्युबल इन O2। तो सही है, ठीक सही है, है। दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। बताइए, करेक्ट बताना है। घरेलू तनाव एटम साल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड 30 तो होता ऑप्शन सी, डी, है। हाँ ऑप्शन थ्री सी आज का होगा, सही होगा। हाँ बी बी क्या सी सही होगा। ये क्यों नहीं है? क्या कौन सा इसका तो मास ही होता है ना, 9.10 × 10⁻³ तीन होता है, ठीक तीन पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हाँ सही है, ये तीन होता है, थ्री पार्टिकल होता है, यहाँ टू दिया है इसलिए गलत हो गया। तो मैंने तो बस मास देखा, इसका मास देख के बी था और बी एक ही में था, मैंने वही कर मास दिया। मास मास इसका 9 ए सही है, होता है। नाइन सही है। हाँ ऑल द आइसोटोप ऑफ गिवन एलिमेंट्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी सही है। सही है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होना होंगे। चाहिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड द एटम इज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये सही। बच्चे वाला क्वेश्चन है, उल्टा पलटा करना। चलिए नॉट करेक्ट पूछ रहा हूँ। हाइड्रोजन इज यूज रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ठीक है सही है। हाँ नहीं, ये सही बात है, फर्स्ट एच ऑप्शन सही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड टू एनी एलिमेंट, तो ये बात सही है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा हाँ है। हैवी मेटल यूज स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज किया जाता है, ये भी सही बात है, ठीक है। हाइड्रोजन इज यूज मेकिंग सैचुरेटेड होगा, फैट फ्रॉम सेकेंड ऑयल, ऑप्शन ये भी होगा, सही है। सैचुरेटेड मतलब वनस्पति घी बनाते हैं, सेकेंड ये भी। ऑप्शन। एच एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लोअर एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ द एनी एलिमेंट, तो ये नहीं है, ये मैक्सिमम होना चाहिए था, लोएस्ट ठीक है। ये करेक्ट इनकरेक्ट। हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड मेटल दैट मोर एक्टिव देन आयरन, तो ये लेस एक्टिव देन आयरन होना चाहिए, ठीक है, लेस एक्टिव देन आयरन। इसमें डी और ई हो जाएगा, वैसे हाइड्रोजन चैप्टर से है, अब हाइड्रोजन नहीं पढ़ना है, लेकिन हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग बात कर ले, ठीक। आगे द गिवन, इसमें एलाइलिक बताइए भाई, इतना टाइम थोड़ी, लाइलिक कौन होगा नहीं, हाँ एलाइलिक? लाइलिक, एलाइलिक है, sp3 लाइलिक। हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ये सब क्वेश्चन अभी जल्दी रिसेंट हम लोग कर चुके हैं, आगे नहीं, क्योंकि सारा पीवाई का उसमें कवर था। डी तुक्का में मारा नहीं, करिए, बताया करिए, सही बताया करिए, और रीजन भी बताना। अभी उस दिन रिएक्शन कराए थे, लेकिन तब भी आप लोग टाइम लग रहा है। जिंक HD क्या कौन करता है? सा बी बी बनाना।
जिंक एचजी क्या करता है बताइए? अरे रिड्यूस नाम बताइए, कौन सा रिड्यूस करता है? सेवेंसन क्लेवेंसन। वो क्या करता है? सी डबल बॉन्ड। वो के क्या कर देता है? सी एच टू बना देता है। कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड 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 फोर्थ कौन कैसे हो गया भाई? फोर्थ ऑप्शन हो गया होगा कि थर्ड होगा? थर्ड ना। हाँ सर, कहाँ से दिख रहा हाँ है? सर, फोर्थ है। इतने को हमारे पास क्लेमेंसन रिडक्शन उस पुल के इस तरह सी एच टू बना देता है। तो यहाँ सी एच टू हो गया, यहाँ सी एच टू, बस क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। ये करिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी सेंटीमोलर सॉल्यूशन कितना आ गया आंसर? कंडक्टिविटी वन पॉइंट टू सिक्स सेंटीमीटर 1.26। 1.26। हाँ ठीक है। कैसे आया? कंडक्टिविटी इक्वल टू, मतलब कंडक्टेंस होता है जी इनटू जी स्टार, मतलब कि सेल्फ कांस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ, और एक कंडक्टेंस हो जाएगा 1/r इनटू जी स्टार। तो यहाँ पे क्या हम लोग कर देंगे, अगर देखा जाए तो जी हमें क्या बताना है? सेल कांस्टेंट बनाना है। कांस्टेंट निकालना। तो ये जी स्टार इक्वल टू के इनटू आर हो जाएगा, या आप डायरेक्ट फार्मूला देखो यूज कर सकते हैं। ठीक, तो क्या हो गया? 0.021 देंगे 1.0 आर इंटू सिक्सटी 60, तो कितना हो गया? यही आ गया 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। सेल कांस्टेंट क्या होता है? सेल कांस्टेंट क्या होता है? एल एल अपान बाय एल। एल बाय। तो ये आ गया छोटा सा क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन करना था। ये लीस बताइए, एसिड तो BF3 होता है। अब ये लुईस बेस है, लोन पेयर है, लुईस एसिड है, लुईस बेस है, लुईस बेस है। तो ये हो गया आंसर। बताइए। एक सेकेंड सर, सही है दोनों। हाँ एक सही है, तो दोनों, पर 5 प्राइम से 3 प्राइम में होता है कनेक्ट। गलत हाँ होगा शायद दूसरे वाला। सेकंड ऑप्शन सेकंड दूसरा, ऑप्शन क्या है? यहाँ से देखिए बेस दूसरा। जुड़ता है, पहला पोजीशन है हाँ वो तो पहला पोजीशन तो एच। सही है। हाँ ये एच ओ एच होता है, एच ओ एच, और एच सी एच टू ओ एच, ये फिफ्थ पोजीशन है। ठीक, और अगर यहाँ पे फास्फेट जुड़ता है किसे? फिस पोजीशन सी एच तो पर टू। जो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड बनेगा। पहला स्टेटमेंट सही है, अच्छा दूसरा अच्छा गलत है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है, दूसरा दोनों सही गलत है, दोनों सही है। क्यों? पहला सही है, दूसरा गलत है। फाइव ठीक है, बताइए आप तो बना दिए कैसे? प्राइम पे तो लगता है, 5 प्राइम पे तो लगता है। न्यूक्लियोसाइड लिंक विद फास्फोर फास्फोरस एसिड एट 5 पोजीशन सुगर मियोटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। हाँ सही तो है। फास्फोरस तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें हो जाएगा? यूनिट फॉर्मेटाइज फॉर 1 पोजिशन नोन एंड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड लिंक विद फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड नहीं होता, फास्फोरिक एसिड होता
फास्फोरिक एसिड बोलते हैं, फास्फोरस एसिड नहीं है, इसलिए गलत है, समझ रहे हैं। थ्री पी ओ फोर फास्फोरिक एसिड होता है, या थ्री पी ओ टू फास्फोरस एसिड होता है, ठीक है, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही। ये फास्फोरिक एसिड है, ये भी ध्यान रखिएगा भैया, ठीक। चलिए नेक्स्ट अरे करिए। ये फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। अरे हाँ फर्स्ट ऑप्शन ठीक, नहीं, फोर्थ ऑप्शन होगा। एल इक्वल टू एन या माइनस वन फोर्थ ऑप्शन वाला, होगा। फोर्थ होगा ओके तो फार्मूला आ रहता है एल इक्वल टू एन एम माइनस वन अपॉन टू हो जाता है। ये देखिए ऐसे बना दिया है, एन एम एन इक्वल एम इज टू इक्वल टू 12+1 होता है। हाँ टू एल प्लस वन होता है, तो इसको रिवर्स कर दिया। इसमें पूछ रहा है किसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने के पास, तो NH3 के पास तो है, यह है 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन HCl के के पास पास नहीं है, CH3 बी सी और एल थ्री के पास नहीं है, इलेक्ट्रॉन, दो होंगे। बी बी 4 हो गया, CCl के पास 8 इलेक्ट्रॉन, C10 इलेक्ट्रॉन, कितने दो हो गए, थ्री दो फोर्थ ऑप्शन। हो गए। बताइए इंटर मॉलिकुलर फोर्स आर फोर्स बाय अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन इंटर मॉलिकुलर, तो क्या हो जाएगा, हाँ? सर एबीसीडी ABCD, ABCE है, डी नहीं होगा, केवल डिपेंड कोवेलेंट कोवेलेंट डिस्पर्शन बॉन्ड नहीं होगा, फोर्स नहीं। डी नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे, ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। ये मेटेलिक सोडियम डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया की डीप ब्लू सोल्यूशन व्हिच आर परामैग्नेटिक, द डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। ये तो देखा जाए तो दोनों बातें सही दोनों हैं, सही है लेकिन लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन एस ब्लॉक एक का, एस ब्लॉक में ये था, एस ब्लॉक तो हवा है नहीं, तो एक तरह से ये हमारे काम का उतना नहीं है, लेकिन जान सकते हैं आप लोग, हम ये शेयर कर देंगे, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा अपने दिमाग में, ठीक है, फिर से, इसलिए हम कट कर दे रहे हैं, उसको मत करिएगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ही तो होना होगा ना, नोबल कौन लिखने की वजह से सा आ जाएगा, सेकेंड, क्योंकि हाइड्रोजन, कैसे, इसका चार्ज सबसे ज्यादा आएगा अगर इसको नोबल गैस बनाना है। N3 आ जाएगा, Na प्लस आ जाएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा, तो N3 O2 माइनस 2 माइनस 2 लिखना था फिर। ठीक, इसलिए सम ट्रैंकुलाइजर आर यूज लिस्ट बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग बारबुट रेट, तो ये भी ब्रीड अलाइव था, तो देखा जाए इसमें बर्नॉल दिया हुआ था आपके सर कौन से चैप्टर का है? मतलब वर्नॉल। बर्नॉल होता है ट्रैंकुलाइजर, ये मतलब ब्रीड अलाइव था उसका था, कौन से चैप्टर का है? अच्छा अरे एवरीडे लाइफ यार, अभी डे लगा। चलो बताइए।
जल्दी बताइए तो पढ़े हैं यार। सजेशन सी है, रीजन गलत है। ए सही है, रीजन गलत है। ये देखिए मतलब सही है डेल्टा जी, डिपेंड ऑन एन, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इसलिए एन पे डिपेंड करता है। ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड डेल्टा जी हाँ एक्सटेंसिव सही है, सेल सही है, होता ये तो है, ठीक है, पढ़ा तो था। बहुत मतलब बहुत दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, ठीक पॉलीमर का है लेकिन ये पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं, हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया था अभी। तो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस न्यूप्रोन, दो तरह के न्यूप्रोन है, क्लोरोप्रीन होता है, ठीक है, इसमें क्लोरोप्रीन से ही न्यूप्रीन बनता है, पहला ऑप्शन होगा। इग्नोर करना, इग्नोर कर सकते हैं लेकिन आपको पूछा जा सकता है हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। ये बताइए अभी पढ़ाए थे मैंने, कौन सा ऑप्शन होगा और क्यों होगा? थर्ड ऑप्शन और क्या होगा? ऑप्शन फोर ऑप्शन थर्ड होगा, अभी बताया थर्ड। था मैंने, अब पहले एस सी एन लग गया है, अब लगा दिया है, उसके बाद कंसनट्रेट एस टू एस ओ फोर में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन भी हो रहा है और सी एन क्या चेंज हो रहा है, सी ओ एच में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, दोनों काम हो रहा है तो इसलिए थर्ड हो जाएगा, अभी हमने बताया था। हाँ ये बताएं सोडियम इथेनॉइड होता है ना, तो सोडियम नाइट्रोजन कैसे? वेट ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इथोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताइए, जैसे अब इसमें रिएक्शन लिखने आ रहा है, सोडियम इथोनेट लिख दिया मैंने और इस पे NaOH रखते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहा है, तो ये क्या डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट होता है, तो CH4+Na2 CO3 के सॉलिड में कर 32 देगा। आएगा सर, 32। 82 नहीं आएगा, यहाँ पे 2, ये पूछ रहा है 2 मोल का, ठीक है आप, ठीक है, तो यहाँ पे वेट ऑफ CH4 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये 1 मोल का 2 मोल का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, हाँ तो 32 2 मोल का पूछ रहा, तो यानी कि 32 आंसर हो जाएगा। सही। तो ये बताइए अभी जल्दी किए थे, ये तो आसान भाई, अभी जल्दी ये क्वेश्चन ऑप्शन सेकंड, सेकंड बनाया। फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, सेकंड बनेगा, क्योंकि ये हाँ सेकेंडरी देगा। अच्छा हाँ, क्या ठीक 2 डिग्री अमीन बना देगा, बाकी ये दे सकता है CH3 और CH2NH2, और ये कौन सा रिएक्शन है, CH3 और NH2, CH2NH2, और ये CH3NH2 दे देगा, एक कार्बन कम, सब में प्राइमरी बन रहा है इसमें। ये बताइए अरे इतना टाइम आप लोग लगा रहे हैं छोटे से क्वेश्चन। सोडियम ट्वेंटी ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हम 20 × 20/100 कर देते हैं, 20% कितना है, 4 आ गया, सारा कट पिट के 4 ग्राम में, अब 4 ग्राम अगर 100 ग्राम रहता तो कितना, 44 ग्राम देता, अब
ये 4 ग्राम में कितना पूछ रहा है, 44/100 इंटू 4। 100 कहाँ से है, मॉलिक्यूलर मास हमने फर्स्ट निकाला ऑप्शन था, ना, पहले 176 ग्राम कार्बन है। है उसका। ठीक ठीक है, तो हाँ ये ये आ बताओ, जाएगा आपका ए 1.76। 16 ग्राम। ठीक है, ये बताइए, अभी जस्ट किए थे, क्या आंसर होगा, पूरा बताना है भाई। देखिए, पहला वाला सेंडमेयर रिएक्शन है, अगर देखा जाए यार हम लगेगा लोग, हाँ, सी एच मतलब N2Cl2 है, और इसमें Cu2Br2 आ जाता है, HBr, फोर्थ तो होगा। इस फोर्थ नहीं होगा, HBr लग जाएगा, सेंडमेयर रिएक्शन है, ओ तीन यहाँ एस पे का Br हो गया, Br हो गया, फिर हमारे पास क्या है, Mg और ट्राई इथर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, MgBr। ठीक है, और MgBr का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस है, हाँ OH लगता हाँ H2 सही है, 4 होगा, फिनॉल है। अरे बन, हाँ सही है। आपने मेरी जान निकाल दी थी। अरे ठीक है, कौन सा है, मतलब ठीक, फिनॉल बनेगा, अगर यहाँ पे CH3CH2OH होता तो क्या बन जाता, बेंजीन बन जाता। ठीक, इलेक्ट्रॉन पिरिडिन में पूछ रहा है कितना होगा। फर्स्ट नहीं, सॉरी क्या नहीं, सेकेंड कह रहा हूँ मैं। ग्यारह 3। सेकेंड स्ट्रक्चर बना के सेकेंड काउंट करिए, पिरिडिन का होगा, स्ट्रक्चर, सेकेंड पिरिडिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, एन लगा होता है। सेकेंड है सर इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसका ये हो गया, सेकंड हो हाँ जाएगा। सेकेंड ही होगा सर। हाँ अरे तो आप बता रहे हैं, बताया तो पहले भी। अरे स्ट्रक्चर अंधे नहीं मानना है कि हमको आता है, जब तक स्ट्रक्चर ना बना लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन इंटरनल जी आर एनर्जी डी कौन सा हो, ए पढ़िए वैसे पढ़ा करिए अपने मन में। ए ऑप्शन हो। जी, पहला आंसर है, फार्मूला है सर इसके साइन कन्वेंशन समझ नहीं आते मेरे को। क्या, इस चैप्टर के साइन कन्वेंशन समझ नहीं आते। साइन नहीं समझ में आता, कन्वेंशन बताया तो था भाई, सर आपने बताया था, वो याद नहीं होते, समझ नहीं आता ठीक से। ठीक ये बताइए आंसर, बाद में पूछिएगा, करा देंगे। जल्दी बताइए, आप लोग बहुत स्लो कर रहे हैं, 10 मिनट में होना चाहिए था। क्या है यार, ऐसे फिर से क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे, यही होगा ऑप्शन सेकंड। जब लिख दिए तब बता रहे हैं, मैं सोच रहा था मैं। बताएं। अरे उसमें सोचने वाला क्वेश्चन ही नहीं था। ये बताइए, इनकरेक्ट पूछ रहा है, टू द करेक्ट आंसर, ऊपर इनकरेक्ट नीचे करेक्ट, सर ऑप्शन फोर होगा, ऑप्शन फोर्थ। टू है, ऊपर सर इनकरेक्ट पूछ करेक्ट ही रहा पूछ रहा है, फिर करेक्ट ही पूछ रहा है। था ना, ऑल ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, ठीक है, एमओ ऑक्सीडेशन मेटल ऑक्साइड, तो आयनिक हो जाएगा ना,
ठीक है, ये सही है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करेस्पॉन्डिंग ग्रुप ट्रांजिशन मेटल अटेन, ये बढ़ेगा, ये सही बात बोल रहा है ये भी। ठीक है, बेसिक करेक्टर इंक्रीज, अब ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो बेसिक करेक्टर कैसे इंक्रीज करेगा, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करेगा ना, एसिडिक करेक्टर इंक्रीजिंग ऑक्सीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के होगा, ये गलत हो गया। B2O4 डिजॉल्व एसिड गिव BO, है 4- नहीं देता है, BO+2 देता है, ठीक है बुक में लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। तो CRO इज बेसिक बट CRO3 एम्फोटेरिक, के भी बात सही है। ठीक है, डी ब्लॉक का है पूरा, डी ब्लॉक का, ठीक करना है ध्यान से, NCERT में वहां जो लिखा है सारा आता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन, अभी जल्दी ही इसको किए थे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जल्दी ही बताए थे रीजन वगैरह तो आप चेक कर लिएगा। इसके बाद द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक्स प्लेस इन ब्लास्ट फर्नेस, तो ये देखा जाए मेटलर्जी का क्वेश्चन है तो अपने में है नहीं अब, तो यहाँ पे वैसे तो ये ऑप्शन हो जाएगा लेकिन है नहीं अपने, इग्नोर। भाई कट गया क्या, कट गए हैं। हाँ 91 से ये सर, उल्टा कर दिया, ये इधर बात कितना, नहीं 89 था, 91 हो गया, 88 इधर है, 89, ठीक है 88 तो हो गया ना, ये 90, ठीक है कोई नहीं, ये तो अभी भी क्या था। 91 ये सही है, 91 का ही है। अभी तो किए थे क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन होगा, अब इसमें भी आप लोग लिखा चाहें, अरे ऑप्शन क्या दिखाएं यार, वैसे बता सकते हैं बी भी, क्योंकि इसका एल्डिहाइड है, इसी का ओके हमारे पास क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, तो करेगा नहीं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 91, 92 ना, ये भी देखिए आपका सॉलिड स्टेट का है, ठीक है तो पिछले साल सॉलिड ओके वन अपॉन फोर होता है 93, करिए ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन थ्री टू थ्री दस सिक्स है, कितना आया, 1 सेकंड सर। ओके -1300 आएगा क्या? 1381 बी। हाँ कैसे अभी सॉल्व लग नहीं गया आ रहे कर हैं, देखिए 2 है, 3 है, 10 रहे हैं। है, 6 है, तो इसमें के इक्विलिब्रियम आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 इंटू 6 अपॉन 2 मल्टी का इंटू 2, इन दोनों 6, ये दो दो से कट गया 10 आ गया, तो डेल्टा जी इक्वल टू -RT और लॉग 2.303, या पूरा लिख सकते हैं लॉग के इक्विलिब्रियम, यही लगाना है, तो -2.303 इंटू आर का वैल्यू आप जानते हैं कितना लेते हैं, 2 एट लेते पॉइंट हैं, थ्री 2 ले लेते हैं, 300 केल्विन हो जाएगा, दिया है लॉग 10 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस
31,180 कैलोरी, बी आंसर हो जाएगा। ये बताइए कितने यहाँ पे एरोमेटिक हैं, अकल रूल कितने फॉलो कर रहे हैं। आप ही लोगों पेपर है जो आप लोग दिए थे, उसमें भी आप लोग टाइम लगा रहे हैं। चार है क्या सर? चार, ये है कल रूल के अकॉर्डिंग है, ये है आ ये पांचवा भी है, नहीं, चार पांचवा भी तो है ना? नहीं पांचवा ये नहीं, नहीं ये है, चौथा। ये हाँ नहीं, नहीं, ये है, पांचवा तो है, सही तो है। हाँ सही ये नहीं है, सही, ये है। कितने हो गए? चार। 4 आंसर था। तो फिफ्थ कहाँ कर रहा है? फिफ्थ फिफ्थ वाला कहाँ कर रहा है? फिफ्थ वाला तो करेगा दौड़ के यार, सबसे फेमस वाला सबसे तो पहला साइक्लो क्वेश्चन प्रिपेयर यही हो था। जाएगा ना टू इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा, सर। टू पाई इलेक्ट्रॉन ए प्लस है। हाँ वही तो, वहां पे लोन पेयर है तो उसपे तो फोर हो जाएगा। सही बता रहे हैं, टू पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो सबसे पहले यही क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं यार। तो ऑप्शन टू, ऑप्शन टू। बैलेंसिंग करना बैलेंस करना है। है। बैलेंस करिए, बैलेंस इन द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन। तो सेवन बैलेंसिंग में देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आप सी लोग बैलेंस करिएगा आराम से कर रहा इसको, हूँ सर, एक सेकेंड। तो मैं आंसर बता देता हूँ। शायद डी होगा। Cr2 वो 7 माइनस प्लस 3 SO3 -2 +8H आयन आएगा, 4Cr+3। आप लोग यार बैलेंस नहीं कर पाते, क्लास 9 10 से पढ़ रहे होंगे, तो कौन सा आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे A की वैल्यू है तो 1 हो गया, बाकी आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया। जहां जहां का पूछ रहा है वहीं वहीं का आप आंसर दीजिएगा। इसको बताइए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है लेकिन इतना तो जान ही सकते हैं। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी वाटर बॉडी लीड टू यूट्रिफिकेशन, तो डिफिशियंसी नहीं एक्सेस में हम लोग लीड करते हैं। अगर मतलब जैसे सारे न्यूट्रिएंट हो जाते हैं तो यूट्रिफिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम खेतों में ढेर सारे फर्टिलाइजर बो क्या है, बारिश हो गया, अब वो जाके गांव के तालाब में इकट्ठा हो गया सारे न्यूट्रिएंट, तो वहां पे क्या होता है, ढेर सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं क्योंकि उन्हें न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा एबंडेंट मटेरियल मिल गया, जिसे हम लोग एलगल बूम भी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को यू मतलब ट्रू होता है और ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिएंट होता है, इसीलिए इसका नाम है यूट्रिफिकेशन। तो अगर यहाँ पे एक्सेस न्यूट्रिएंट आ जाता है यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, और ये क्या काम कर देता है, वहाँ BOD लेवल बहुत घटा देता है क्योंकि ये कंज्यूम कर लेता है, यानी कि बायोलॉजी, और ये मतलब पॉल्यूशन को आज करता है क्योंकि एक्सेस ग्रो हो जाता है ना, बाकी सारे मतलब ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करता है। तो देखा जाए तो दूसरा वाला तो ट्रू बोल रहा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा।
एक फेमस क्वेश्चन था यूट्रिफिकेशन, इन्वायरमेंट वाले से आप इग्नोर भी कर सकते हैं अभी के लिए। दूसरा बताइए, अभी तो किया था ये क्वेश्चन, एक सेकंड सर, एथाइल सोचता बेंजीन हूँ। निकलेगा ना, फोर्थ ऑप्शन। पहला रिएक्शन क्या रिडक्शन, डिहाइड्रोजनेशन। उसके बाद? सॉरी सॉरी, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, हाइड हाइड्रो डिहाइड्रोजन, डिहाइड्रेशन -S2 निकलेगा उसके बाद। फिर एडिशन होगा। उसके बहुत वुड फिटिंग नहीं फिट, हाँ वुड फिटिंग। बाद यहाँ पे HBr लगेगा, CH3, CH2Br। उसके बाद यहाँ पे NaBr दिया है, Br दिया, तो ये बन जाएगा आपका वुड फिटिंग। चलिए ये भाई अच्छा एग्जाम्पल हम कई बार बताए इसका आप लोग। वो था क्या कहते हैं, और इट्स ऑल प्यूमिक स्टोन जो घर में पैर और रगड़ने के लिए आजकल यूज करते हैं, सॉलिड सॉल्व। सॉल्व होता है। ये भी इग्नोर कर सकते हैं लेकिन बता दीजिए, ऐसे क्वेश्चन दे दे रहे लोग। ये तो मतलब एबिलिटी बेस है, तो एक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चार्ट दिया टीम को, तुक्का मार दूं सर। पहले का देखिए थर्ड है, पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, कोई बना सकता है पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर? देखिए मैं बना दे रहा हूँ, पहले का थर्ड तो दूसरे का चौथा, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए शायद। चलिए कौन से चैप्टर से है? ये मतलब कि अब कट गया है। वैसे तो 16 ग्रुप हमको का एलिमेंट है वहां पे दिया है, समझ में नहीं आ रहा पी ब्लॉक से कहाँ कहाँ से आएगा, क्या आएगा। बता तो दिए यार, अब क्या नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग हमेशा कंफ्यूजन में ही रहे हैं। बता तो दिए, पढ़ा भी दिए, उतना ही आएगा। अब ये नहीं आएगा लेकिन मतलब अब क्वेश्चन दिया, ये तो आपके एबिलिटी के बेस पे है ये क्वेश्चन। अगर आप न पढ़ रहे हैं तब भी कर सकते हैं, आपको फार्मूला तो याद ही रहना चाहिए बहुत सारे। H2H2O8, मार्शल साल्ट बोलते हैं, परोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का तो सबको फार्मूला पता है, तो कम से कम जो पता है उससे तो लगा सकते हैं। मान लीजिए बाय द वे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि आउट ऑफ अच्छा सिलेबस है, तो एबिलिटी है आपकी, मतलब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा यस, डबल बॉन्ड हो OH, और जितना बताया गया उतना ही आएगा, उतना ही सिलेबस में लिखा है, उससे कम है आता है जितना सिलेबस में लिखा रहता है, कभी अधिक नहीं आता। एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी जानबूझ के इधर उधर से, एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी, जैसे अभी जेई मेन में इनेमल का फार्मूला पूछ लिया था, इनेमल तो वो तो कहेंगे इनेमल, ये क्या इनेमल हो पता? सकता अब है, ये क्या इनेमल होता है, बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो बायोलॉजी के स्टूडेंट पूछ रहा है ये क्या होता है, तब तो केमिस्ट्री इंजीनियरिंग वाला बेचारा क्या करेगा, बताइए। इनेमल नहीं पता है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैंने बना दिया, आपको चेक करना होगा, चेक करिए, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। इनेमल सबसे स्टेबल एलिमेंट है बॉडी का, दांत को इनेमल नहीं बोलते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है। ओ। अच्छा हाँ, उसका फार्मूला पूछा गया, तो CA10 CO4 होल ट्वाइस फोर और OH होल ट्वाइस, ये होता, यही था। और ऑप्शन ऐसे नहीं थे कि आपको कैल्शियम फास्फोरस से
लग जाएगा। उसमें किसी में 5 दिया था, किसी में ये 2 दिया था, किसी में 3, एग्जैक्ट पता होगा वही कर सकता, नहीं छोड़। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट इंटर नोड पेट्रोल इलांगेशन डीप वाटर राइस। बहुत आसान इथाइलिन, क्वेश्चन है, कर चुका है। कौन सा होगा? इथाइलिन इथाइलिन होता है। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 गैसियस हार्मोन जो इनहिबिटर का भी काम करता है और प्रोमोटर का भी काम करता है। ठीक है। मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर एक्टिव कंसंट्रेशन, ट्रांसपोर्ट, वैसे अगेंस्ट सिलेबस देयर से आ रहे हैं। कंसंट्रेशन एक्ट। क्या चीज? वैसे तो सिलेबस से बाहर है ना। अरे भाई इतना कोई पूछ हाँ सर, लेगा मेरे को तो तो, पता था, मैं बस बोल रहा हूँ, वैसे तो बाहर है। ये तो मतलब इसको तो बाहर नहीं कह सकते, ये तो मतलब कई जगह लिखा हुआ है। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर नेक्टर एज इंसेप्ट सीन। इंसेप्ट ऑप्शन कॉलेज 4 फोर्थ इंसेप्ट। एंटोमोफिली। ठीक है। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट लीव मीजोफिल सेल आरपोट डी डिफरेंशिएशन, डी मीडियम प्रमोट क्या करता है बता सकते हैं? डिफरेंशिएशन, डी डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ओके। डी डिफरेंशिएशन करता है उसको। चलिए 1992, तो 1992। ये तो मतलब जनरल नॉलेज का क्लास 1 से आप पढ़ते आए होंगे छोटे से ग्रुप। डीएनए, डीएनए टेक्नोलॉजी, ड्यूरिंग डीएनए, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडेशन चिल एथेनॉल प्रेसिपिटेशन आउट क्या करते हैं डीएनए? डीएनए, हाउ मेनी एटीपी एंड एडीपी रिक्वायर सिंथेसिस? वन एटीन मॉलिक्यूल ऑफ ए ग्लूकोज ऑप्शन, ड्यूरिंग वन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए ऑप्शन, कितना? 18 to 12 है, 18 ATP to 12 एनएडीएच, रिस्पिरेटरी इसमें बताएं। लॉस, सेकेंड आर का पहुंचे। रिस्पायरेटरी क्वाइटेंट मत लगा दीजिएगा, हाँ, रिस्पायरेटरी लॉस होता है। इसमें बताएं। इथेन टंगस्टन और गोल्ड गन मेथड यूज टू प्रोड्यूस डीएनए, तो आगे का इसमें थोड़ा टंगस्टन दिखाई नहीं दे रहा। और गोल्ड। टंगस्टन एंड गोल्ड, सिंगल जीन मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ऑप्शन टू। सेकेंड। गिवन द लेवल A1 बताइए, लेट वुड हैव दोनों फ्यू ज्वेलरी एलिमेंटल सही हैं, मिनरल। दोनों सही है, फर्स्ट ऑप्शन। दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। एमंग यू एस कैरियर रिप्लिकेशन फेस, डीएनए टेक्स एस प्लेस कहाँ पे होगा? यस फेज में फेस, होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान नहीं, दिमाग फेल हो जाएगा। फैमिली फिबेसी डिफरेंट फ्रॉम सोलनेसी लिलिएसी विद रिस्पेक्ट टू स्टेम्स स्पीक आउट द करेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक फिबेसी नॉट फाउंड इन सोलनेसी। कोलियोडेल्फा क्योंकि देखा जाए फोर्थ होगा डायडेल्फा डायम्फा सल्फर, डायडेल्फा जो फिबेसी में यही होता है डायडेल्फा, और सोलनेसी में देखा जाए तो ये पॉलीएंड्रस होता है एंड ईपी पेटलस या डायथिकस होता है। ठीक है, डायथिकस होता है। और लिलियेसी में क्या होगा? पॉलीएंड्रस इसमें भी होगा एंड ईपी पेटलस इसमें भी होगा। इसमें ईपी पेटलस होता है और इसमें ईपी टेपलस या ईपी पेटलस का डायथिकस होगा। ईपी पेटलस और ईपी पेटलस क्या होगा? ईपी पेटलस क्या होता है? जब कार्लोस कारोला से एंडोसियम जुड़ा होता है तो उसे हम लोग ईपी पेटलस बोलते हैं। जब पेरियंथ से जुड़ा होता है एंडोसियम तो हम लोग ईपी टेपलस या ईपी फिलस बोलते हैं। पढ़ा चुके हैं। एक्सियल प्लेसेंटेशन ऑब्जर्व किसमें चाइना होगा? एक्सियल प्लेसेंटेशन। रोड, बीन एंड लुपिन मोड, टोमेटो, ये ऑप्शन होता है क्या कि टोमेटो एंड देन थी में, इसमें तो कंफ्यूज एक्सियल हो गया। प्लेसेंटेशन कहाँ पे होता है? ए में होगा, चाइना रोड होता है ना,
चाइना रोज और और बीन बीन एंड लुपिन से, ये ऑप्शन ये होगा सर। चाइना रोज पिटूनिया होगा, लेमन में होता है एक्सियल थोड़ा प्लेसेंटेशन, ठीक सा क्या है। और जो इसमें हाँ गलत आपका हो जाता है, कई बार आ चुका है। एक्सियल प्लेसेंटेशन यहाँ पे चाइना रोज, टोमेटो, पुटिनिया, लेमन और डायंथस जो है, डायंथस हो गया, एंथस, और कह सकते हैं आपके प्रीम रोज, इसमें मिक्स दिया है, रोज ये फ्री सेंट्रल होगा, सेंट्रल प्रेजेंटेशन। दूसरा पी हो गया, लुपिन हो गया, बीन्स हो गया, तो मार्जिनल प्लेसेंट है, मतलब लेगमिनेसी, मतलब मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल होता है, ठीक है। कुकुम्बर हो गया, हम फिर से लिख दे रहे हैं, एंड मस्टर्ड हो गया, ये कौन सा हो गया, पेराइटल प्लेसेंटेशन, राइटर पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो इतना तो कम से कम याद ही रख सकते हैं। आइडेंटिफाई सेलेजिना द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेराफाइटा, हाँ सिल्वेनिया, ये ऑप्शन। सेलेजेना सेल्वेनिया होगा। थिकनेस ऑफ ओजोन कॉलम इन ऑप्शन एयर एटमॉस्फेयर मेजर टर्म ऑफ, हाँ डॉप्सन यूनिट होता है, ऑप्शन नॉइज, नॉइज मेजर किया जाता है, डेसिबल से किया जाता है, और इसमें डॉप्सन। टूटा पोलन हाँ गेन्स, टूटा पोलन ये गेन्स, टूटा पूछा, पोलन टसल इज द, टसल जो होता है ये कौन कॉक प्रेजेंट इन स्टिग्मा एंड स्टाइगल व्हिच इज ट्रैप पोलन ग्रेन, जो नीचे ऐसे भूरा भूरा होता है, बहुत सारे हेयर लाइक पाया जाता है ना, वही करता टसल। इसका टूटा बताइए, पोलन फर्स्ट गेन्स। स्टेज ऑफ गैमेटोजेन्स इन लाइफ साइकिल मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज, सही है। प्रोटोनिमा प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस प्रोटोनिमा कैप्सूल, तो दोनों ये सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। फोर्स जनरेटेड ट्रांसपायरेशन कैन लिफ्ट जाइलम साइज कॉलम 130 मीटर अक्वाटर सही वन है। ट्रांसपीरेशन थर्टी मीटर हाइट, बताइए स्कोर सर 10 to सही है। नहीं है ना, सही है सर, दोनों सही और है। ट्रांसपिरेशन कूल लीव फोर्थ होना चाहिए, समटाइम इतना डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये भी सही है, फोर्थ तो सही है, दोनों सही है। मतलब दोनों सही है, ये मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का था, लेकिन मतलब इतना तो जान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रिंग ऑफ विच ऑफ द एक फॉलोइंग फाइटो हार्मोन दिन जुवेनाइल कॉनिफर कैसे हेल्प टू हेस्टरिंग मेच्योरिटी पीरियड दैट लीव अर्ली सीड प्रोडक्शन, ये गिब्रेली क्या होगा कैसे, गिब्रेली इसमें, जिब्रेलिक एसिड होता है ना, ये हाँ डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो जिब्रेलिक एसिड होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेंट बिटवीन जीन पेयर एंड सम क्रोमोसोम मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन अल्फा इज टू मैच, पेंगोइन सेकेंड, अल्फा इज टू टू इवेंट। हाँ सेकंड होगा, ये लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने जीन मैपिंग किया था बेसिकली, और मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था उसी को, मतलब इन्होंने थोड़ा सा इसमें, बाकी जैसे सटन बॉरी क्या दिए थे, सटन बॉरी क्या किए थे, क्रोमोसोम सेटन वो भी, अरे दिमाग से निकल, ब्रेसेस ऑफ इनहेरिटेंस, कौन नंबर ब्रेसेस ऑफ या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, 2023 वाला एग्जाम में आ जाए, इस बार पेपर टॉप कर देंगे सर। अरे कुछ नहीं अभी कर नहीं रहे हैं, और कह रहे हैं कि एकेंस, एकेंस क्या दिए थे, एक्स क्रोमोसोम, टीएच मॉर्गन, अगर देखा तो रिकॉम्बिनेशन हाँ, मतलब प्रूव किए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड परपोज
यानी कि कह सकते हैं प्रूफ क्रोमोसोमल सोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस टेंस एंड परपोज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, लिंकेज का कॉन्सेप्ट बताया था, और ड्रोसोफिला मेलोगास्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोला जाता, नहीं सॉरी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वो है, मेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक बेटसन थे, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, और फादर ऑफ जेनेटिक्स तो वही थे मेंडल। एक्सप्रेस सीक्वेंस टाइप ईएसटी रिफर टू फोर्थ ऑप्शन आरएनए। ऑल जीन दैट आर एक्सप्रेस एज ए आरएनए। अपॉन एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट स्टेन ब्राइट ऑरेंज इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, ब्राइट ऑरेंज ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर देता है। एटीपी इज यूज एट ए टू स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, हाँ वो स्टेप का नाम बताइए, याद है मैंने याद करवाया था। तो फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज फास्फेट, सही है। सेकंड स्टेप इज यूज कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट इनटू फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट, ठीक है, सही ये भी सही है, दोनों एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हैं सही है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। और यूबिक अनइक्यूवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट प्रपोज किसने किया था भाई? ओके मार्था चेस मार्था एरसे हशी एरसे ठीक और मार्था चेस है, मैकार्थी ने क्या बताया था, एवरी मैकलॉरिन मेथड थी, इन्होंने मतलब कह सकते फिर हैं उन्होंने वो किया था ना आरएनए वगैरह डाल के। हाँ बायो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफार्मिंग जो ग्रिफ्थ का था, उन्हें को प्रूफ करने के लिए प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल को बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक बताया था, ठीक है। और बाकी इसमें विल्किंसन विल्किन और फ्रैंकलिन ने क्या किया था, प्रोड्यूस अभी उस दिन भी बताया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ डीएनए, और फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने पर वो हो गया था एक्सपेरिमेंट उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफार्मिंग एक्सपेरिमेंट वाला किस पे किया था, इकोलाइ पे। अच्छा ई कोलाइ ने किया था, उसमें सेल्मोनेला टाइफी न्यूमोकोकस न्यूमोनिया पे किए थे, न्यूमोकोकस न्यूमोकोकस न्यूमोनिया पे, ठीक है। हाँ और चलिए हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट जल्दी बताइए, डिट्रीब्यूअर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, सही है, डिट्रीब्यूअर्स फ्रेगमेंटेशन करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में कट कर देते हैं मास्टिकेशन से। तो ह्यूमस इज फर्दर डिवाइडेड सम माइक्रो ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल गेट प्रेसिपिटेटेड बाय प्रोसेस इज कॉल्ड लीचिंग, ये भी सही है। डिट्रीबोरस फूड चेन बिगन विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सही है, गलत है ऑर्गेनिक डेड उससे होता है ना ऑर्गेनिज्म, जो जो फॉलन लीव्स होती हैं। डेड ऑर्गेनिज्म से होगा, वही लिविंग काट दे रहा,
दूसरा एयरथवर्म ब्रेक डाउन डिट्रस इनटू स्मॉल पार्टिकल प्रोसेस कॉल कैटाबोलिज्म, गलत है। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन हाँ, इसका। इसमें देखा जाए सेप्रोफाइट बैक्टीरिया एंड फंगाई जो होता है वो ब्रेक डाउन जब करता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में, तब तो उसे हम लोग कैटाबोलिज्म बोलते हैं, अर्थवर्म को नहीं। ठीक है, तो ए बी सी। फोटोसिस्टम सिक्स सेकंड का एटीन क्या? 6 4। सिक्स। एंजियोस्पर्म दे हैप्लॉयड डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो से सिक्वेंसली आर, क्या होगा? सेकेंड सिनर्जी जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सेकेंडरी जाइलोट हैप्लॉयड होगा, सिनर्जिड सिनर्जी एन होगा, टू एन सिनर्जी जाइगोट और थ्री एन, एन टू यही होगा। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग अप वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? मैग्नीज 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 यूज किया जाता है, क्लोराइड मैग्नीज यूज किया जाता है, और मॉलिब्डेनम कहाँ पे यूज किया जाता है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में नहीं किया जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन में, नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन को बनाने में किया जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ओ नाइट्रिफिकेशन में नहीं किया जाता। मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एजेंट है, मतलब कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन में। वेटेड सेवरल फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा तो कोई बहुत नहीं, ओवरऑल कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म इन प्लांट यूज करते हैं। मैग्नीज जो है फोटोलिसिस में यूज किया जाता है, जब H2O ब्रेक डाउन होता है लाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बनता है? 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन और ये बनता है, और यहाँ पे Mn मैग्नीज और क्लोराइड आयन यूज होता है, ये मैग्नीज हो जाएगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मियोसिस इन्वॉल्व डिविजन ऑफ सेंट्रोमर? तो आसान सा क्वेश्चन है, एनाफेज सेकंड में यूज होता है, सेकेंड आप हाँ जानते हैं। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज, बता सकते हैं? सेकेंड सर। देखिए, इट डज ए नॉट सी ऑप्शन कंटेन होगा। कॉम्प्लेक्स अच्छा हेलिकल अच्छा हिंग कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसलिए ये सेकंड वाला हो जाएगा। सेकेंड वाला वाला ये नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना हाँ। ये। हैबिटेशन लॉस एवल क्वार्टर हैबिटेशन लॉस कॉन्टेस्ट करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ टी आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन? टी आर एन ए एंड 5 SSRNA। कौन सा हो जाएगा? टी फाइव आर एन ए और RRNA SNRN। ये बताइए। दोनों सही है। ये सर सेकंड वो फर्स्ट वाला इंडार्जेनिक जर्कन जिसे मैं रॉन्ग है। फर्स्ट वाला रॉन्ग फर्स्ट वाला रॉन्ग है, है, सेकंड सही है। सेकंड करेक्ट, ये ऑप्शन मतलब होगा थर्ड थर्ड, होगा। थर्ड ऑप्शन होगा। इंडार्जेनिक जर्कन अ टर्म यूज्ड बाय डिस्क्राइब पोजीशन अ प्राइमरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी, तो इंडार्ज तो क्या लिखा है? एक सेकेंडरी जाइलम लिखा है, ठीक है, जो तो प्राइमरी यहाँ पे जाइलम होना होता है चाहिए था प्राइमरी प्राइमरी में। जाइलम, ठीक है।
ये गलत हो जाएगा। दूसरा सही है कि रूट में एक चार्ज कंडीशन पाया जाता है और सूट में इंडार्च होता है। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल प्रोफेज ये फास्टेनियोसिस एफटीटी में होता क्या है, फर्स्ट होता ऑप्शन होता है, फर्स्ट है? ऑप्शन होता है। रिकॉम्बिनेंट क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे होता है वहीं पैकेटिव में होता है, ठीक है। तो इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन आर रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरम कैरिड बाय एयर करंट। सही है, सही है, है? सही है। एयर करंट से ही जिम्नोस्पर्म, ओनली विंड पॉलिनेशन ही होता है और कुछ नहीं होता। एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन टू मच ऑफ द आर्चिगोनिया वेयर द मेल गैमेट आर डिस्चार्ज पोलन ट्यूब इज नॉट फाउंड। लेकिन वो फोर्थ ऑप्शन होगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। सेकेंड वन सेकंड फॉल्स है। डाउन का थोड़ा सा पढ़े हैं क्या? थोड़ा सा नहीं पढ़े हैं, बहुत हाँ, तब टेक्स्ट क्यों बुक लग रहा है। थोड़ा सा आंसर दे रहे हैं? पूरा एक्सप्लेन करिए। अब यहाँ पे देखा लिखा है एयर करंट मंथ ऑफ आर्चिगोनिया मेल गैमेट डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब नॉट फाउंड। तो इसमें जो मतलब होता है पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट ग्रो टूवर्ड्स आर्चिगोनिया, ठीक है, इन द ओव्यूल, ठीक है, एंड डिस्चार्ज कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। ये बात सही है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, ठीक है, नॉट नहीं होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? ये ट्रू सेकेंड दो। सेकेंड ऑप्शन ये बताइए, ये भी स्टेडियम थोड़ा सा उधर से रिलेटेड है लेकिन बता सकते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये नॉट करेक्ट पूछ रहा। एल्गल ब्लूम काजेज एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, नहीं होता भैया, ठीक है। तो यही गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन ही हो। इम्प्रूव थोड़ी करेगा, प्योरिटी इम्प्रूव करता तो हम लोग बढ़ाएगा। वाटर हाई कैन ग्रो एबंडेंटली यूट्रोपिक वाटर कैन बॉडी। ये सही है, इम्बेलेंस इकोसिस्टम डायनेमिक का। अमाउंट ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस इंडस्ट्रियल वास्ट वाटर इंक्रीज ऑर्गेनिज्म सक्सेस ट्रॉपिक लेवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेड, ये सब बातें सही है, बाकी ठीक है, यही गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर कीमो ऑस्मोसिस, बता सकते हैं? कीमो ऑस्मोसिस पढ़ चुके हैं, कीमो प्रोटॉन रिस्पायरेशन पंप, फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन इन ग्रेडिएंट, दोनों। एटीपी सिंथेसिस। सेकेंड ऑप्शन प्रो मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडिएंट, एटीपी सिंथेसिस, ये ये, होगा, ठीक हाँ सर, फोर्थ होगा, है। फोर्थ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेडिएंट तो करेंगे। ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन से पास होता है, प्रोटॉन पंप होता है मतलब ग्रेडिएंट में जाता है कोई, और एटीपी सिंथेसिस टू ये चयन जाता है। ये दोनों में पड़े हैं, रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस में, और फोटोसिंथेसिस में ऐसे था थैलोपॉड मेम्ब्रेन से पास हो रहा था, उसको हम लोग सी एफ नॉट बोलते हैं, और जो पास होता था ऐसे उसको सी एफ वन बोलते हैं। वहीं पे देखा जाए तो अब माइट्रोकॉन्ड्रिया में आए तो ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला क्या एफ नॉट बोलते हैं और इसको एफ वन बोलते हैं। दोनों में सिमिलरिटी है, और दोनों में ऐसे इधर पार होगा 2H और यहाँ से ADP प्लस PI मिलके IP ATP बनेगा। वैसे सेम यहाँ पे भी है, ऐसे पार होगा ये बनेगा, तो दोनों सिमिलर है, दोनों प्रोटॉन मतलब ग्रेडियंट में ही होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बताइए नेक्स्ट। फेज होता है, इक्वेशनल डिवीजन ऑफ डेंसिटी फेज होता है प्रोटीन। ये सेकंड ऑप्शन सर, सेकंड ऑप्शन होगा, या एम फेज का इक्वेशनल डिवीजन होगा। आज जी टू फेज का प्रोटीन आज सिंथेसिस करेगा, बस हो गया, बाकी सब कुछ मिल गया। क्वेश्चन स्टेज का इनएक्टिव फेज है।
जीवन फेज के इंटरवल बिटवीन माइटोसिस। ये सेकेंड ऑप्शन रहेगा। ठीक है। ये भी आसान है, बताइए जल्दी से। ठीक न्यूटिलिज्म फर्स्ट प्लस होता है, एक और फोर्थ मंथलिज्म होता आर्यन सो गए क्या? ऐसे। नहीं, बताइए भाई सेकेंड ऑप्शन कैसा आंसर न्यूटिलिज्म का होगा, प्लस प्लस एक का बताइए। ये तो फोर्थ, कई बार कर चुके हैं। इसका हो सेकेंड जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट। किसका फर्स्ट? फर्स्ट तो मैंने गलत कह दिया ए क्या? ए होगा। कॉमन सिलिजम होता है हाँ फर्स्ट फर्स्ट आप ऑप्शन। हाँ फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये समय नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए भाई। एग्जांपल बताइए मेटीरियल इसका का। म्यूचुअलिज्म का जैसे वो माइकोराइजा, या फिर आप लाइकन देख लो, और फिर वो ऑर्चिड वाला, सॉरी वो क्या था, वो कौन सा बर्ड था, बर्ड और वो नाम भूल रहा हूँ मैं, बोलिए ऐसे बोलिए ना पेपर के टाइम में। पर वैसे याद है मेरे को क्या था एग्जाम। ये बताइए स्टेटमेंट वन सही है, टू गलत है। पहला क्या सही है, दूसरा गलत है। सही है। ठीक ये बताइए ये भी न्यूट्रेंट वाले का लेकिन कर लीजिए काम आता है। आयरन क्या काम करता है भाई? एक्टिवेटेड कार्टिलेज कैटालाइज एंजाइम मतलब कर नाइट सकते हैं। कम आयरन कंपोनेंट नाइट्रेट था क्या? नाइट्रेट रिड्यूस करे, रिड्यूक्टेज सेकेंड। भाई आप लगता है हमारे एकदम पास में से बोल रहे अच्छा हैं। माइक पे एकदम चढ़ जाते हैं। एकदम धीमे से बोलेंगे सर, बहुत तेजी से आवाज पड़ जाती है। हाँ जिंक देखिए मतलब ऑक्सीजन के ऑक्सीजन। सिंथेसिस में बहुत फेमस है। और बोरान देखा वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है बहुत मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में। जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा सेल इलॉन्गेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन भी मदद करेगा कि नहीं। फूड ट्रांसपोर्ट फूड मतलब ट्रांसलोकेशन में पहले बहुत पूछा जाता था। फूड ट्रांस लोकेशन में मदद करेगा मतलब फ्लोएम पे वर्क करता है बेसिकली बोरान। अगर बोरान की कमी हो जाती है ना तो फूड मतलब जल्दी से उसका रूट डेड हो जाता है। ठीक है क्योंकि तो फूड नहीं पहुंच पाता है। लीफ तो फूड बनाता है तो उसको उतना इफेक्ट नहीं करता। मॉलिब्डेनम क्या करेगा? अभी बताए नाइट्रेट रिडक्टेज करता है डिनाइट्रिफिकेशन करता है रिडक्शन करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? टू वाला हो। सेकंड चलिए अरे भाई इतना टाइम लग रहा है इसमें ना। करेक्ट पूछ रहा CNT देखिए ये ऑप्शन होगा क्या? ये तो क्या लैंगडॉन जो थे डाउन सिंड्रोम डिस्कवर किए थे तो ये तो गलत हो गया। ये कैलिफेंटन पूछ रहा। ठीक पहला तो गलत। सच इंडिविजुअल ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट फेमिनिस्ट डेवलपमेंट आल्सो एक्सप्रेस। सही है क्योंकि एक्स एक्स वाई हो जाता है ना तो दूसरा सही है। द ये अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट सूचर
तो इसका हाइट लंबा होता है, देखते होंगे जो ऐसे लोग रहते हैं उनकी हाइट लंबी रहती है, शॉर्ट चूचर नहीं रहता है। फिजिकल साइकोमीटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है, ऐसा नहीं है। आजकल आईएएस भी बन रहे हैं, प्रिंसिपल भी बन रहे हैं, तो ये नहीं है। सच इंडिविजुअल आर ऑस्ट्रेलिया सही है, तो बी बी एंड और ए। ई सही है, दूसरा हो जाएगा। एकदम सही बात लिखा है। यहाँ से तीन तीन ही चार आपके में दिया, उसी तीन चार में से एक क्वेश्चन 100% आता है। पिछले साल दो क्वेश्चन आया था वहां से, एक ये अभी एक और मिलेगा, एक जूलॉजी में एक बॉटनी में, ऐसे मिल जाता है दो क्वेश्चन कह सकते हैं। करिए लेंटिकल, अगर देखा जाए करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें, तो लेंटिकल आर लेस लेंस शेप ओपनिंग परमिटेड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, सही है। मतलब कि जो प्लांट में जहाँ थिक वगैरह बार्क वगैरह रहता है वहां पे लेंटिकल होता है, गैसेस डी एक्सचेंज एंड डी करता इसमें है, सही होगा सर, सही रेस्पायरेशन में मदद होगा। करता है। तो पहला सही है। बार्क फॉर्म अर्ली इन सेशन इज कॉल्ड हार्ड बार्क, ऐसा नहीं है। हाँ मेरे को बार्क तो पहले अर्ली स्टेज में सॉफ्ट रहता है, फिर क्या होता है, हार्ड होता है। तो ये पूछ रहा है अर्ली स्टेज में ही हार्ड रहता है, ऐसा नहीं है, सॉफ्ट रहता है, फिर वो कन्वर्ट हो। बार्क है टेक्निकल टर्म दैट रिफर टू ऑल टिश्यू एक्सप्रेस टू वैस्कुलर कैम्बियम, तो सिंपल में नॉन नहीं होता टेक्निकल होता है, टेक्निकल नहीं होता है। ये बुक में लिखा नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू वैस्कुलर, हाँ बस यहाँ बिल्कुल। पर टेक्निकल के जगह पर नॉन टेक्निकल होता है, तो सही होता है। बार्क रिफर टू पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम, तो बताइए नहीं बार्क सर, हाँ रिफर पेरिडर्म एंड पता सेकेंडरी, है सही मतलब है, क्या चीज। सही है ना। हाँ सही है, तो हाँ बार्क रिफर टू पेरिडर्म सेकेंडरी फ्लोएम, ये सही है। ठीक है, तो ये सही हो गया। अभी एक जी और बचा, हैलोजन इज सिंगल लेयर इन थिक थिक लेयर, फ्लोजन नहीं होते तो ना। यहाँ यहाँ पे देखा जाए सिंगल लेयर नहीं होता है, मल्टीपल लेयर होता है इसमें। ठीक है, हैलोजन और लेयर थिक बहुत ज्यादा होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया फर्स्ट ए ऑप्शन हो गया। एट्टी बताइए। होता है, 80 होता है। हाउ मेनी प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, फोर कितने 80 फोर डिफरेंस प्रोटीन रहते 80 हैं इसमें, राइबोसोम में 80 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन रहते हैं। मेलोनेट इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहेबिटिंग एक्टिविटी, तो मेलोनेट कौन सा होता है, बहुत कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर नहीं होता है। मेलोनेट का कौन है, एंजाइम में दिया है एकदम क्लियर कट, बताइए। सक्सीनेट होता है ना, सक्सीनेट हाइड्रोजन। हाँ सेक्शनल डिहाइड्रोजनेट का ही रहता है, ये याद रहना चाहिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बताइए। ये है नहीं लेकिन बताना है ठीक है सर, उसको आपको, बता पढ़ रहा हूँ सर, लिया। 1 सेकंड। सर सेकेंड ऑप्शन कोहेशन होगा का, क्या, कोइसन वाटर लॉस लिक्विड फेज है, यही होगा ना सेकेंड। अरे यार पूरा तो मिला लिया करीब। कोइसन वाटर लॉस सेकेंड करेगा तो ये कब फर्स्ट हो सकता होगा, तो कोहेशन एडिशन मतलब कि एग्जाम में सिमिलर करता है। पार्टिकल, एडिशन मतलब डिफरेंट पार्टिकल, हाँ तो फिजिक्स में भी है। अच्छा नहीं, क्या कहते हैं, कोइसन हो जाएगा उसमें, फिर म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है ना वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड 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 और एडिस। एडिशन अट्रैक्शन कह सकते हैं टुवर्ड्स पोलर सरफेस कह सकते हैं, और सरफेस टेंशन आप जानते हैं
मोर अट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड फिल्म। गटेशन क्या होता है? लॉस, वाटर लॉस्ट होता है बुली फॉर्म सेल से, जो वाटर लॉस करेगा। मतलब ग्रास में पाया जाता है बुली फॉर्म सेल, उससे होता है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है? मतलब पाइरुवेट हाइड्रोजिनेज कि सेकेंड। पायरूविक डिहाइड्रोजनेज। ग्लाइकोलिसिस ईएमपी पाथवे, पाथवे, रेमिडिन में आप पाते हैं। हाँ एमपी और पाथवे, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ट्रांसफर बोलते हैं। सिस्टम। और क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइट्रेट सिंथेसिस में होता है, फर्स्ट सिट्रिक एसिड बनता है क्रेब साइकिल। तो डी हो गया फोर्थ, फोर्थ में थर्ड सर थर्ड होगा, थर्ड। हो जाएगा। ए फ्लावर इज डिफाइंड एज ए मॉडिफाइड शूट, वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टम। बताइए। सही है, पहला तो सही है। दूसरा, इंटर नोड ऑफ शॉर्ट गेट कंडेंस टू प्रोमोट डिफरेंट फ्लोरल एम्पेंडेंस लेटरल एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ द लीफ। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। ये भी दोनों सही सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यही सारा चीज होता ही है। आप लोग टिश्यू वाला नहीं पढ़े क्या? मेन स्टेप ऑफ फॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए गिवन अरेंजमेंट स्टेप इज करेक्ट सीक्वेंस। ये तो बता ही सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले हम लोग कटिंग करेंगे डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम यूज करेंगे, तो बी तो होगा ही। उसके बाद देखा जाए आइसोलेशन डिजायर डीएनए सेगमेंट आइसोलेट हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो एम्पलीफिकेशन करेंगे, उसका नंबर बहुत बनाएगा, ये सीआर करेंगे। सी ये इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, ये करेंगे। ठीक है, तो डी सभी बी सी सभी डी ए। जूलॉजी पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के रिस्पेक्ट में कौन सा है यहाँ पे सही है, बता सकते हैं? तो नॉन प्राइमेट मैमल साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ओएस्ट्रस साइकिल। ये सही है, ओएस्ट्रस साइकिल बोला जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बीइंग ए एट अ प्यूबर्टी कॉल मेनोपॉज, नहीं क्या मीनार्चे बोलते हैं? ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसको अगर मीन आर्स बोलते हैं तो ये सही रहता। लेक ऑफ ऑप्शन मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेट ऑफ द प्रेगनेंसी, ये सही है। अगर मतलब मेंस्ट्रुएशन है तो कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन बंद हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मीनार्स एंड मीनोपॉज, ये सही है, मीनार्स से मीनोपॉज तक ही होता है। तो कौन? ए एसीडी सी डी। ठीक है, अमीनो सिंथेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन वाज वन ऑफ द स्टेज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सही है कि गलत है? चाइल्ड चाइल्ड हेल्थ के अमीनो सिंथेसिस। हेल्थ केयर में देखा जाए अमीनो सिंथेसिस का कोई वो प्रोग्राम नहीं था, ऐसा कोई अवेयरनेस। चाइल्ड हेल्थ केयर डील्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपुल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, जैसे प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर सपोर्ट बिल्डिंग अप रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। ऐसा अमीनो सिंथेसिस बेसिकली यूज किया जाता था जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये सब मतलब पता लगाने के लिए। अमीनो सिंथेसिस सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक, अगर हमारे पास यहाँ पे आर सी एच का नहीं होता है तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है, आर सी एच का ये नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो गलत हुआ है। बैन अमीनो सेंसेस चेक इंक्रीज मेंस ऑफ द फीमेल फर्टिलिटी, हाँ ये सही है। ठीक सेकंड है, तो सेकंड थर्ड हो जाएगा। आर एम चलेगा क्या? नहीं सर, है चलिए,
ये बताइए फटाफट बताइए भाई, इतना ही कर पाएंगे हम? सोचे दो दो पेपर करेंगे, आप लोग बहुत स्लो हैं। ए लेपर्ड एंड लायन इन ए फॉरेस्ट ग्रास लैंड, तो उसे क्या बोलते हैं? लेपर्ड लायन फॉरेस्ट ग्रास लैंड हो गई है, कंपटीटर बोलते हैं ना, कंपटीशन होगा लेपर्ड और लायन में ना खाने के लिए, दोनों एक ही चीज खाते हैं। ये तो सारे सर एक ही ब्रूटो साइड का है, मतलब फर्स्ट सेकंड लायन थर्ड। ब्रूट पैरासाइड है, फंगाई रूट हायर प्लांट माइकोराजा मेचलिजम होता है, फोर्थ कैटल ऑप्शन। एगर्ट कैटल फील्ड वोमेंसलिजम, तो मिला हुआ दिया है, ऐसा हाँ आया था क्वेश्चन। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग्स बताइए भैया, थर्ड जरूरी है। है, थर्ड थर्ड ऑप्शन होगा आई आर ई आर और रुकिए, टीवी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली गोनोरिया, कॉमन ट्रांसमिटेड डिजीज, क्या चीज? गोनोरिया, गोनोरिया हो जाएगा। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा दिक्कत है इसको बनाने में। सीपी के होते हैं गैस, हार्मोन है एक तरह से, एंजाइम हार्मोन, तो सर सीसी ये सीसी के जो होते हैं गैस्ट्रिक है। पैंक्रियाज, अच्छा पैंक्रियाज होता है। जीआईपी गैस्ट्रिक होता है, और ए हर्ट हो जाता है, ए डीएचए हो जाता है, मैचिंग बोथ हो जाएगा। वाला रिंग वर्म, फाइलेरियासिस तो होता है सर, इसमें बाउचेरिया हमने एम्ब्रेंकोप बताया था टीबी रिंग वर्म ट्राइकोफाइटन, का है। हाँ ट्राई रिंग वर्म टाइकोफाइटन में जाएगा। आप फाइलेरियासिस बाउचेरिया एम्ब्रेंकोप टी। रिंग वर्म ट्राइकोफाइटन होता है, हाँ फाइलेरियासिस फाइलेरियासिस वाइचेरिया ब्रंकाइटिस बाउचेरिया होगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया ही प्लाज्मोडियम है, निमोनिया विवेक्स। क्लोमिडिया इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, तो ये फोर्थ हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ पी वेव क्या कहता है? पी डुप्लराइजेशन ऑफ आर एस टी ऐसे होता है ना, तो पी बेसिकली क्या काम करता है? पी ड्यूपलराइजेशन ऑफ एट्रिया करता है पार्टी एट्रिया। है, और इसके बाद देखा जाए तो बिगिनिंग सिस्टोल कब हो जाता है? सिस्टम जब क्यू ए होगा ट्वेल्व, तो ठीक क्यू वेव, है, तो क्यू आर एस टी क्या हो जाता है? क्यू आर एस डिपोलराइजेशन टी होता है, यहाँ रोडी ये तो वेंट्रिकल्स। रिपोलराइजेशन होता है, ये भी डिपोलराइजेशन होता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए सी का आंसर मिलाते हैं, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये आर टी है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन होता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल हो जाता है, इसमें मिला लीजिए सब मिल गया, तो हाँ कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन हो फोर्थ गया। इन विच ब्लड कार्पोसल द एच आई वी अंडरगो रिप्लीकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस? बी लिम्फोसाइट, टी बी लिम्फोसाइट फोर टी एच हाँ लिम्फोसाइट होगा, टी एच, हाँ बी लिम्फोसाइट तो जिसे उसमें हम लोग टी फोर भी हेल्पर, टी एच से मतलब हेल्पर सेल होता है, और बेसिकली टी फोर होता है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन टेम्परेली इन इनएक्टिव स्टेट, वेयर हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय एंजाइमेटिक एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर सही है, डीनेचर बाय हीट। तो सही है ये सही बात, है प्लीज। व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सब्सट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनहिबिट ये भी एक्टिव सही है एंजाइम सर, फोर्थ नोन एज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, ये भी सही है, तो ऑप्शन। दोनों सही है, तो फोर्थ हो जाएगा बोथ। लिगामेंट आर डेंस इररेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज जानते है, हैं लिगामेंट डेंस, डेंस इररेगुलर टिश्यू है? हम्म, हाँ तो कार्टिलेज लिगामेंट डेंस ये मतलब इररेगुलर टिश्यू लिगामेंट नहीं, कैसा होता है टिश्यू? इरेगुलर टिश्यू तो नहीं होता ना, इरेगुलर टिश्यू होता है, रेगुलर रेगुलर होता है, डेंस होता है, रेगुलर रेगुलर इरेगुलर। टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर लिखना चाहिए था यहाँ पे। और कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज तो रेगुलर टिश्यू, हाँ कार्टिलेज रेगुलर क्या टिश्यू होता है? स्पेशलाइज होता है, डेंस नहीं होता है, डेंस रेगुलर मतलब कह सकते हैं डेंस टिश्यू नहीं होता, तो दोनों गलत है। दोनों दोनों कोई ऑप्शन है? यस सर, आप फर्स्ट ऑप्शन
फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये हर साल आता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कौन सा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बल्जी और क्लोरोप्लास्ट, बॉडी आ जाते हैं, गोल्गी बॉडी, उसके बाद फिर कौन सा हो जाएगा? गाल्जी बॉडी गोल के बाद कौन? लाइसोसोम हो जाएगा लाइस और उसके बाद वैक्यूल हो जाएगा। बिल्कुल। इतना इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्योंकि इनकी वर्किंग है सब इंटरलिंक है, इसलिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसमें पूछ रहा है नॉट कंसीडर, तो देखा जाए तो ये तो है ठीक है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स बाकी हमारे पास नहीं है, तो बी और डी निकाल लीजिए। ए डी सी ऑप्शन थर्ड यहाँ पे ए सी नहीं, ई हो फर्स्ट फर्स्ट जाएगा। ए फर्स्ट फर्स्ट हाँ ए सी। प्रोटीन इमेजिन एज ए लाइन दैट लेफ्ट इन दिस रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल एंड राइट रिप्रेजेंट लास्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल। एडल्ट ह्यूमन थर्ड ऑप्शन डी सर, फोर सेकंड सब सही है, फर्स्ट यूनिट रॉन्ग है, थर्ड अल्फा टू टाइप और बीटा टू टाइप, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट रॉन्ग है पहला तो फॉल्स हो गया, दूसरा और सेकंड ट्रू है। सही। वर्ड टेनिस इज प्लम बॉल, एंड अब देखे फिर यही आ गया, मतलब ये कौन सा एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम का है। डाउन इसमें सिंड्रोम का, डाउन इसका बॉर्ड प्लाम करेक्टरिस्टिक प्लाम क्रीज हो जाता है ठीक सिंड्रोम है, शॉर्ट सूचर होता है, स्मॉल साउंड हेड होता है, फारो टंग एंड पार्सली ओपन माउथ असर आता है, तो डाउन सिंड्रोम का करेक्टरिस्टिक डाउन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ये भी शायद सिंड्रोम इन्वायरमेंट से रिलेटेड है लेकिन कर लेते हैं, करेक्ट पूछ रहा है तो लग जाएगा। बायो का, मैग्नीफिकेशन रिफर टू इनक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्गल टॉक्सिन ब्लूम एंड डिक्रीजिंग सब्सट्रेट प्रोटीन लेवल, मोबिलिटी। ये सही है, पहला ही सही निकल गया। हाँ अब प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वाटर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, प्रोमोट करता है एल्गोबोम, अभी हमने पढ़ा। एल्गम ब्लूम डिक्रीज फिश मॉर्टेलिटी, इंक्रीज करता है। यूट्रिफिकेशन रिफर टू इंक्रीज डोमेस्टिक सीवेज एंड वास्ट वाटर इन लेक, तो कह सकते हैं ये मतलब इंक्रीज डोमेस्टिक वगैरह से तो उतना नहीं होता है लेकिन पार्शली सही है, लेकिन ये पहला वाला मोर करेक्ट है ठीक है। तो यूट्रिफिकेशन अगर देखा जाए तो रिफर नेचुरल एज ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट इन्हेंसमेंट ऑफ द वाटर ठीक है। तो आते हैं टीनिया, टीनिया सोलियम में सेल टीनिया क्या पाया फ्लेम जाएगा? सेल, टीनिया फ्लेम सेल होता फ्लेम सेल होता है, अब पैरामीशियम कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, पैरामीशियम में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, और टेरिप्लेनेटम पेरिपलनेटा अमेरिकाना में क्या होगा? यूरो यूरोकोज ग्लैंड, हाँ यूरोकोज ग्लैंड होता है, और फेरिटीमा में नेफ्रिडिया होता है, सेकंड तो ये सेकंड होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन मोस्ट वाइडली यूज थर्मल पावर ऑफ द प्लांट, सही है? सही है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, नहीं इलेक्ट्रो सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक दो हाँ थर्मल थर्मल प्रोसेस में नहीं होता है, ये मतलब उसका क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का आप इग्नोर भी कर सकते हैं ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। इसमें टू होगा, पहला करेक्ट होगा दूसरा इनकरेक्ट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक थर्मल पावर रिमूव यू नो आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं रिमूव करता, पॉल्यूशन बेसिकली के लिए होता, जो गाड़ियों वगैरह में लगा रहता कह सकते हैं वैसा कुछ होता है। वाच डिफरेंस, वाच डिफरेंस इज बस डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपनिंग होता इंट्रोयूथ्रा अदर एजुकुलेटरी डक्ट, सही सही है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल, ये भी सही है। दोनों सही नहीं है, दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? फोर्थ ये सेकंड नहीं थर्ड ऑप फोर्थ ऑप्शन होगा सर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड, एडल्ट ऑफ फाइलम, एडल्ट के लिए पूछ रहा हेमिकोडेटा।
सिमेट्रिक इसमें नहीं होता है, हेमी हेमिकार्डेटा हेमिकोडेटा, हाँ में। इकानोडर्मेटा में सिलेंड्रेटा सेनिटोफोरम बायलेटरल होता है। होती काले है, बायलेटरल। इसलिए एडल्ट लिखा है क्योंकि इकानोडर्मेटा में लार्मा में क्या बायलेटरल सिमेट्री होता है। होती ये दिया है पेप्टिक सेल, ये भी एक तरह से नहीं है लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं, कोई वो नहीं रहता। पेप्टिक पेप्टिक सेल होता सेल देखा जाए प्रोएंजाइमिक, है, हाइपेटिक सेल होता है जो हाँ तो जेल जूस में होता है, बाइल जूस, कोवेलेंट सेल माइटोसिस। देखा जाए तो म्यूकस सिक्रीट करता है, और हाइपेटिक सेल तो आप जानते हैं बाइल सिक्रीट बाइल करता जूस है। होता है, ऑक्सिजेनिक सेल जो स्टमक में होता है, SCL इंट्रेंजिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्बेशन ऑफ विटामिन B12 के लिए सिक्रीट करता है। तो इसमें कुल मिला के ऑप्शन 2 हो जाएगा। सेकेंड। हाँ ये भी अभी हमने जल्दी करवाया था और ये भी कट गया है, लेकिन मतलब कर सकते हैं, अभी जल्दी हम लोग किए थे। फोवा क्या होता है, ये का थर्ड हो जाएगा, पॉइंट जनरेट विजुअल एक्टिविटी ऑफ रिजुवेनेशन। ठीक है, तो ए का अच्छा थर्ड एक ही आ जाएगा, फोर्थ आ हाँ, जाएगा, बाकी फोर्थ ऑप्शन में आप आयरिस मिला सकते हैं, सेकेंड। फर्स्ट हो जाएगा, हाँ फर्स्ट फर्स्ट और सी का फोर्थ हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा, लेयर ऑफ सेकेंड आई फॉर्म डेंस सेकेंड कनेक्टिविटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैरीड बाय द साइटोस्केलेटन इन सेल। प्रोटीन तो सिंथेसिस, साइटोस्केलेटन इन सेल क्या करता है, प्रोटीन मोटिलिटी सिंथेसिस। बढ़ाता है, और अच्छा क्या हाँ मतलब जिससे मोटिलिटी, टाइट हाँ रहे, साइटोस्केलेटन सेल मोटिलिटी मोटिलिटी इनहेंस करता मोटिलिटी। है। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस एंटर इन सीकम देयर बैक फ्लो प्रिवेंट बाय, तो ये कौन करता है, इलियोसिकल वाल्व होता है, हाँ तो वही इलियोसिकल, बैक फ्लो को रोकता है। ये भी एबर डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ये तो है, अब मैं वेसक्टोमी क्या होगा, वेसक्टोमी वैसे मतलब सर्जिकल सर्जिकल मेथड है। मेथड, हाँ, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड कट कर देते हैं क्या, वासा डिफरेंसिया। क्वाइटस इंटरप्शन एक मतलब नेचुरल मेथड कह सकते हैं, और सर्वाइवल सर्वाइकल कैप सहेल होता बैरियर है, मेथड है, और ये सहेल सेली ओरल ओरल मेथड। मेथड है। तो मतलब ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन सही लें। ऑप्शन फर्स्ट, कार्टिलेज जॉइंट क्या होगा, ये ये इसमें भी बहुत हो फेमस क्वेश्चन है, अब इसी क्वेश्चन में वर्टिब्रल, से ही आएगा। वर्टिब्रल कॉलम। तो कार्टिलेज देखा जाए वर्टिब्रल कॉलम में ही जुड़ा रहता है कार्टिलेज। बॉल वर्टिब्रल एंड कॉलम, सॉकेट जॉइंट क्या होता है, आपके मेटाकार्पस, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गैडी में पूरा रहता है। फाइब्रस जॉइंट आप जान नहीं रहे हैं कहाँ पे होगा, फाइब्रस फाइब्रस तो जॉइंट कार्पल्स में होता है, कार्पल मेटाकार्पस और कार्पल्स। मेटा कार्पल ऑफ द थंब हो जाता है, तो कार्पल और मेटा कार्पल में फाइब्रस जॉइंट हो जाएगा। सैडल जॉइंट कहाँ पे, स्कल में हो गया। ठीक स्कल है, तो आपका में, ऑप्शन कौन मैनेज हो गया, फर्स्ट हो गया। हाँ बस। RNA म्यूटेट एट फास्टर रेट, आरएनए म्यूटेट फास्टर है, सही है, बहुत सही। तेजी से म्यूटेट करता है। हाँ वायरस ऑफ RNA जीनम शॉर्ट लाइफ स्पैन, म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। ठीक है, जितने भी दोनों सही म्यूटेजन है, फोर्थ ज्यादातर वायरस हैं सारे यही काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन, फोर्थ। क्वेश्चन है। तो प्रूव करियर द पॉसिबिलिटी चार्ज, DNA हेल्ड सम निगेटिवली चार्ज रीजन न्यूक्लियॉइड जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये तो गलत है, उल्टा लिख दिया है। ठीक है, मतलब कि प्रोकैरियोट में निगेटिवली चार्ज DNA, सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन इन रीजन सही टर्म है न्यूक्लियाई। सर, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन। हाँ, तो इसमें दूसरा तो सही है, थर्ड हो जाएगा। आर्यन चले गए क्या, पता नहीं सर, ये तो वो पूछ लेगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा सर, जुड़े न्यूक्लियर। नहीं एक है। सेकेंड, जुड़े नहीं है सर। चले गए। विच हाँ ऑफ मेटिंग द मेटिंग, फॉलोइंग फर्स्ट क्या चीज, ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा,
हाँ मेटिंग होता है, मेटिंग मेल एंड फीमेल दोनों होती है जो ऐसे जुड़े हैं। हाँ लेकिन फर्स्ट तो नहीं होना चाहिए। नहीं फर्स्ट ही होगा। अच्छा रिलेटिवली के बीच, कजन के बीच। हाँ ठीक है। सेलेक्ट करेक्ट ग्रुप ऑस्ट्रेलियन मार्सुपिलियन एग्जिट। तो इसमें फर्स्ट वो फैलेंजी किया था फर्स्ट ऑप्शन। नंबर हाँ टी स्पॉटेड फ्लाइंग प्रीवियस फ्लेमिंगो वगैरह। ईच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्लोनिंग थ्री वेक्टर। थ्री टू सेकेंड पीवीआर थ्री सेकंड थर्टी नहीं थ्री। होगा, नॉट पूछ रहा है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये अच्छा नहीं है। हाँ प्रो प्रो यही गाना। अब इसमें पूछ रहा है हीरोइन तो स्लो डाउन बॉडी फंक्शन करता है। हाँ स्लो डाउन मार्जिना मैरिजुआना मार्जिना होता क्या है, काम इफेक्ट करता है? हाँ इफेक्ट करता है इफेक्ट ऑन कार्डियोवास्कुलर कार्डियो सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम। कोकीन, कोकीन एक तरह से कह सकते हैं इन्फ्रेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामिन इंटरफेरेंस और ट्रांसपोर्ट मॉर्फिन पेन किलर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन फोर हो गया? फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोस ऑफ डाइजेस्टिव फॉर्म अर्ली ट्रीटमेंट। हार्डली ट्रीटमेंट द होता है सीरम इसका। और यूरिन ऐसा कुछ नहीं यूज करते हैं, हाँ बाकी सब यूज करते हैं आप जानते इसका हैं। इंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर एंड इम्प्लांटेशन ऑफ सही ब्लास्टोसिस्ट। है, सही है। सही है। और इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस लूटियम डीजनरेट दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंडोमेट्रियम। ऑप्शन सही है। तो नहीं, नहीं हाँ ये दोनों है, सही है लेकिन बट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। ये तो मिला ही सकते हैं। यस सर। हाँ ये एजी जेड होता है वाला, पर ये नहीं तीन है जो। होता है, जेड वाला बीटा ग्लूकोसाइड। हाँ वाई एजी क्या हो होता है जाएगा? पर नहीं है जो प्रिमरेज होता है होगा। और ए प्रीमियस। क्या हो जाएगा आपको? एसिटाइलेज। और आई रिप्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट मिल गया। ये नेफ्रॉन आर टू टाइप ऑफ क्वार्टिलन जेक्स्ट्रा मेडुलरी बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सही है, सही जस्ट मेडल बोलता है ना। हाँ शॉर्ट एक्स्ट्रा मेडुलरी डिफ्रॉम ऑफ हेनले लूप। नहीं वो तो सेकेंड वाले कॉर्टिकल में लॉन्ग शॉर्टर लॉन्ग हेनले लूप होगा, लॉन्गर होगा। लॉन्गर और होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन लॉन्गर उल्टा कर दिया तो ये गलत हो गया। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन। हाँ रू। सेकेंड फ्रॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो मतलब प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल के वजह से पहचाना जाता है क्या? इसमें और फिर आते हैं स्टेटमेंट टेट्राइड फॉर्मेशन ड्यूरिंग लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में तो टेट्राइड नहीं फॉर्मेशन होता है, जायगोटीन में होता है। ये जायगोटीन होता है। ड्यूरिंग बी एंड डी एन सही एफ होगा एज द सर। सेंट्रोमर स्प्लिट और क्रोमेटिन सेपरेट। तो ड्यूरिंग एन एफ एज में सेंट्रोमर स्प्लिट एंड क्रोमेटिन क्या होगा? सेपरेटेड। सही है। सही है हाँ बी सही है। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस पैकेट इन। टर्मिनलाइजेशन में नहीं नहीं होता है होता पैकेट इन। ये कहाँ पे होता है? टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है। डायोकाइनेसिस न्यूक्लियस गोल्जी बॉडी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर फ्रॉम इन टेलो कॉम्प्लेक्ट प्रॉब्लम में नहीं ड्यूरिंग होता। टेलो फेज। सही है। टेलो फेज में फिर से रिफॉर्म हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस सिस्टर क्रोमेटिड नॉन होमोलोगस सिस्टर मतलब नॉन होता है होमोलोगस ना। क्रोमोजोम में नहीं होता ना। सिस्टर क्रोमेटिन होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, नॉन होमोलोगस होते ना। होमोलोगस ये ये ए एंड भी गलत बी है। एंड डी सही है फर्स्ट ही। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ये सिस्टर क्रोमेटिड लिख दिया। इच ऑफ दी स्टेटमेंट करेक्ट। अभी ऊपर था, यहाँ पे भी आ गए, फिर दोबारा देखें। ऐसे पूछा जाता है। तो पहला एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूड बॉडी फ्रॉम स्विच ऑफ द ऑस्मो ईबी होना रिसेप्टर। चाहिए। ऐसा तो नहीं है। एडीएच थर्ड फैसिलेट ऑप्शन होगा वाटरी सीडीई होगा। अब्जॉर्प्शन ट्रेमेंडोरोसिस। सही। एनएफ काज वेसो डायलेटर। सही है। अच्छा और बी एडीएच काज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ये भी सही है। सही है।
ये बुलेट फ्यूल इंक्रीज करता है क्या ना डीएच। हाँ सही है, हाँ चीज़? सही है, सही है, सही है, एडीएच रिस्पॉन्सिबल डिक्रीज जी जी एफ फाइव आर, इंक्रीज डिक्रीज होता नहीं करता, इंक्रीज करता है। है, इंक्रीज होता है। ये गलत हो गया, तो ये आ गया पहला आंसर। ड्यूरिंग जीवन फेज जी नॉट फेशियल इंटरमीडिएट एक्टिव। मेटाबॉलिक एक्टिव होता है जी नॉट, से मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ये सही है, करेक्ट है। एक्टिव कहाँ रहता है? यून फेज सेल इज इन मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो ये क्या क्वेश्चन है? सेकंड ऑप्शन सही होगा सर, फर्स्ट सही है। हाँ सेकंड रॉन्ग है इधर, क्वेश्चन, सेकंड अंडर को क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग डुप्लीकेशन नहीं हुआ, तो ये भी गलत रॉन्ग होगा। है। हाँ सेकंड ऑप्शन, एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं होता है। एक्टिव मेटाबॉलिकली तो खाता पीता है, लेकिन डिवाइड नहीं करता। ये तो सही है। दोनों रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है, लेकिन ठीक ये यार दोनों रंग हो जाएगा तो ये छोड़िए, देख लेंगे, गलत लिख दिया है। ठीक है, अब ठीक है सर। ये वाला करिए। नॉट नॉट एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग। एडवांटेज, ये हो सर जाएगा सेकंड तो ऑप्शन ब्रीड प्रोड्यूस थर्ड, का हाँ एडवांटेज। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी होगा, हाँ, लॉजिस्टिक वाला लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, देखिए। लॉजिस्टिक बोर्ड कौन होगा? लिमिटेड ये रिसोर्स लिमिटेड सोर्स अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी कंडीशन करता है। एक्सपोनेंशियल मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा, और एक्सपेंडिंग एज ग्रुप देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ही होगा। स्टेबल एज ग्रुप फोर्थ हो जाएगा, तो कौन सा हो गया? ये हो गया। फोर्थ ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। सही करिए, थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में कौन नहीं है? इंटेलिजेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। सी सी एंड डी, बी एंड सेकंड ऑप्शन, एंड डी है। सही है। अनिक मैमिलियन कैरेक्टरिस्टिक, तो हेयर होता है, गिनना ये होता है, मेमोरी फर्स्ट ग्लैंड ऑप्शन, होता है। फर्स्ट ऑप्शन द फॉलोइंग टू स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स सब अब टुगेदर इसमें एसीटी स्केल्टन मसल का अगर देखा जाए, मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट पूछ रहा है, इसमें सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा ये, ठीक है, बी अभी। और सी, ये दोनों हाँ बाकी ये गलत है। ए बी सी सही हो, बी एंड सी। विच ऑफ द अच्छा फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो बी और सी हो जाएगा बी और सी होगा, वैसा वैसे करते हैं इसमें, इसमें सर। सही है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये हो जाएगा नहीं बी। हाँ सेकंड सही है, सही तो होता है सेकंड। 5 days से थ्री सही डेज सही है। है, ट्रांसक्रिप्शन ठीक के बाद पूछ रहा, कोडिंग करेंगे फिर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। 97 का लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमिक सिस्टम हम लोग पढ़े थे, और 98 का क्या हो जाएगा? हाँ सेल होता है क्यूबॉइडल हाँ सेल, सेल वगैरह भी पढ़े थे थोड़ी देर पहले। काक्रोच एक्सक्रीशन ब्रॉट अबाउट, बी सी तो बी बी सी डी अभी पढ़े थे, सिर्फ बी में होगा, सी में होगा, ए डी में वो होगा फाइट बॉडी करता है और डी काक्रोच। होगा, ये नहीं होता। कलेक्ट स्टेटमेंट रिफर टू कोऑर्डिनेट, डबल नल कोड हो सकता है, सर्कुलर सिस्टम तो ये सेकंड ऑप्शन होगा सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होना चाहिए। ई बी। सी सही है, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कार्डेट, और पेयर्ड अप ये हो गया। अच्छा डार्सल सॉलिड नहीं, हालो होता है भाई, स्यूडो सिलोम नहीं होता, अच्छा हाँ ठीक है, ट्रू सीडोसिलोम नहीं सिलोम होता, होता यूसिलोमेट एनिमल्स होता है, है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट होता और ये डार्सल हर्ट नहीं होता, वेंट्रल होता है।
हाँ ठीक है, थोड़ा तो सा। इतना रहेगा भाई, वो भी चलेगा, मुझे भी जाना है। ठीक है, ठीक है सर, कल नेक्स्ट कर लेंगे, इसको पढ़ लेना है।